अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गांधी दर्शन, गांधीवाद या कह सकते हैं गांधी दर्शन। महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित, महात्मा गांधी के जो भी दर्शन थे उसको हम इसमें पढ़ेंगे। पहली बात तो हम समझ लें कि गांधीवाद का जो विचारधारा है वह आदर्शवाद, हम उसको ज्यादातर मानते हैं, लेकिन वह आदर्शवाद नहीं है, बल्कि गांधी बात करते हैं व्यवहारिक आदर्शवाद की। किसके? व्यवहारिक आदर्शवाद। गांधी जी का जो आदर्श है वह व्यवहारिक आदर्शवाद पर आधारित है, ठीक है, कि वह चीज हो सकती है। उन्होंने कभी ऐसी पूरी बात नहीं की कि चीज हो नहीं सकती है, उन्होंने हमेशा जमीन पर रह करके बात की है, और कहीं ना कहीं उसको अपने कार्यों द्वारा दिखाया भी है। अपने जीवन में विनोबा भावे जी से प्रभावित रहे महात्मा गांधी। दर्शन किसका है? महात्मा गांधी का। और यह अपने जीवन में विनोबा भावे से काफी ज्यादा प्रभावित रहे हैं, ठीक है। अब इनके मूल दर्शन की बात की जाए तो गांधी जी का जो मूल दर्शन है वो हम सब आप जानते हैं, वह सत्य, अहिंसा और प्रेम पर आधारित है। तो गांधी जी का जो मूल दर्शन है वो है सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भावना, ठीक है। इसी चार बिंदुओं पर गांधी जी का संपूर्ण दर्शन जो है वो बेस्ड है, जिसमें सबसे पहले वह बात करते हैं सत्य और अहिंसा की, सत्य अहिंसा की, ठीक है। सत्य अहिंसा में उन्होंने माना कि सत्याग्रह हो का जो बल है वो सबसे ज्यादा मजबूत बल है, जिसमें उन्होंने आत्मबल को महत्वपूर्ण माना। सत्याग्रह और आत्मबल को आजादी के लिए, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, और मानते ही नहीं वह यह करके भी अपने जीवन में दिखाते हैं, ठीक है। तो आत्मबल और सत्याग्रह को इम्पोर्टेंट मानते हैं। दूसरा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है सर्वोदय। गांधी जी ने माना कि सबके विकास के साथ ही भारत का विकास हो सकता है, और यह केंद्र या सत्ता में नहीं है, बल्कि सत्ता जो है वो गांव गांव में है। सत्ता जो है वो केंद्र में नहीं, गांवों में है। गांव, आम गांवों की जनता, आम गांव गांव तक इन्होंने बोला कि जो है वो सर्वोदय, मतलब सत्ता का है जो केवल चंद व्यक्तियों से नहीं मिलकर के बनी है। साथ में उन्होंने समावेशी विकास को माना, ठीक है। समावेशी विकास मतलब सबका विकास हो, हर किसी का विकास जो है वो आखिरी छोर तक भी पहुंचे, तो यह समावेशी विकास को मानते हैं, ठीक है। इनका जो सर्वोदय है वो सबके उदय पर आधारित है और स्वतंत्र सत्ता पर आधारित है। गांधी जी का सर्वोदय स्वतंत्र सत्ता पर बेस्ड है, ठीक है, ये सर्वोदय के अंतर्गत मानते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो अर्थशास्त्र के सिद्धांत की, गांधी जी का जो अर्थशास्त्र है वह मेड इन इंडिया, मतलब भारतीय चीजों को बढ़ावा देने का ज्यादा उन्होंने माना। इस अगर उनके स्वयं के जीवन में भी देखो तो वह स्वयं भी चरखा चलाते हैं अपने जीविका यापन के लिए, उन्होंने एक उदाहरण दिया। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यह बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, उद्योग उनका चरखा चलाना भी इसी का एक प्रमाण है कि लघु उद्योग अगर भारत में पनपेगा तो हर व्यक्ति के पास अपने अपने आर्थिक उपार्जन का माध्यम होगा, ठीक है। और साथ में इन्होंने स्वदेशी की बात की, भारतीय अपनी वस्तुओं का विकास करें, अपनी ही वस्तुओं को खरीदें, इस पे बहुत जोर देते हैं, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट है शिक्षा, इन्होंने सर्वांगीण शिक्षा विकास पर बल दिया। ऐसा
ऐसी शिक्षा हो जिससे सर्वांगीण विकास हो, और साथ में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। तो पहले तो सर्वांगीण विकास, विकास और मातृभाषा, भाषा पर यह ज्यादा बल देते हैं। इसके अलावा गांधी जी ने आदर्श राज्य का भी स्थापना करने एक एग्जाम्पल बताया, जिसके लिए वह राम राज्य को इसका उदाहरण मानते हैं कि आदर्श राज्य की स्थापना होगी, भेदभावों को इन्होंने दूर करने का प्रयास किया, समरसता में इन्होंने भारत की ताकत को माना है। ठीक है, तो गांधी जी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है जो पूछ भी सकता है, पूछता भी है, जैसे लिख रहा हो तो पुस्तक की बात करो तो पुस्तक है सत्य के प्रयोग, जिसको हम पढ़ते हैं माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, और हिंद स्वराज, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, इनकी विचारधारा और दर्शन को समझने के लिए हिंद स्वराज। और भी कई सारे पुस्तक हैं, लेकिन ये इनके कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है। हिंदी साहित्य में बात करें तो हिंदी साहित्य में गांधी के दर्शन पे जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है उसमें हैं आपके सियाराम सरण गुप्त। सियाराम सरण गुप्त, जैनेन्द्र, सुदर्शन, ये सब ऐसे नाम हैं। इनके अलावा अन्य लोगों पर भी, सेठ गोविंद दास, इन्होंने की इन्हें भी लिखी, सेठ गोविंद दास, ये कुछ ऐसे नाम है जिनपे सीधे सीधे गांधी का प्रभाव, गांधी दर्शन का प्रभाव देखा जा सकता है। इनके अलावा अन्य लोग भी हैं, जैसे मैथिली सरण गुप्त हो गए, प्रसाद हो गया, निराला हो गए, इन पर भी कहीं ना कहीं गांधी जी के दर्शन का प्रभाव पड़ता है। तो हिंदी साहित्य में गांधी दर्शन का अच्छा खासा प्रभाव आप देख सकते हैं।